बाबा धाम पानी उस पवित्र स्थान का नाम है जहां लोग जो मनोकामना लेकर आते हैं पूरी होती है। बाबा धाम पानी टंबर और सलहेरा गांव के बीच पैदल रास्ते में एक पड़ाव है जहां लोग अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ देर विश्राम करते हैं। इस स्थान पर पानी का एक झरना लगातार बहता रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ नागों का जोड़ा वास करता है और कई लोगों ने नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ वर्ष पहले तक लोग इस रास्ते से पैदल आने जाने से घबराते थे, लेकिन जब से यहाँ पुजारी प्रकाश चंद जी ने कार्यभार संभाला है, इस स्थल का कायाकल्प करके जंगल में मंगल कर दिया है। यहाँ हर साल जून महीने में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और श्रद्धालु राज के क्षेत्रों से आकर बाबा धाम पानी में अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। PR न्यूज़ सहयोगी भरत सिंह की रिपोर्ट। बाबा धाम पानी जो नाग देवता के प्रसिद्ध से हुआ है, आज से हमें तो कोई मालूम नहीं। जब बुजुर्ग यहाँ से इसे मानते थे और मैंने सन 81 में यहाँ पर काम करने लगा और जिस दान काम करते करते थोड़ा सा काम किया, धूप भरना शुरू हुए तो नाग देवते यहाँ पर बैठे रहते थे। जब नाग देवता बैठा रहता था तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर थोड़े थोड़े काम शुरू कर दिया। काम करते करते यहाँ पत्थर बहुत थे और पत्थर तो आज छोटा सा मंदिर बनाया और छोटे से मंदिर बनाने के बाद इसमें पब्लिक बड़ी बड़ी दूर से आती है। जब पब्लिक दूर से आती है तो उन्होंने चढ़ावा शुरू कर दिया और जब चढ़ावा शुरू कर दिया तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा काम शुरू कर दिया। पत्थर चलाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा डंगा देना शुरू किया। उसके बाद कमरा बना दिया, मंदिर बना दिया। मंदिर होने के बाद पर फिर लंगर जारी हो गया। जून महीने में यहाँ पर भंडारा होता है और नाग देवते के प्रसिद्ध से बड़ी बड़ी दूर से आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है, जिनके कोई भी किसी के किसी भी सपना करते हैं वो बाबा जी नाग देवता पूरी करते हैं। और बड़ी बड़ी पान पर से आते हैं, धर्मशाला से आते हैं, गीर से आते हैं, गीर से, चढ़ियार से, किसीम पर से, कोसरी, गोपड़ी, बदाम, कानपुर की पान पर, दैना से यहाँ पर अपना अपना श्रद्धालु आकर अपने अपने चर्चा बनाते हैं। तो और यहाँ पर जो चर्चा चलती है वो मंदिर में ही होती है। यहाँ पर मंदिर गाया जाता है और जो भी आता है ना।